Am I audible? Am I clear? Yes, all clear. Okay. Okay. Good evening, all. Welcome to this FLP Teams Zoom meeting. एक quote से शुरू करता हूँ. Thomas Edison ने कहा था ये, the doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with न्यूट्रिशन. अब सोचिए थॉमस एडिसन ने ये कोट कितने सालों पुराना है ये, लेकिन आज की तारीख में वो कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है हम सबको मालूम. मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग्स में कहता था कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है, कुछ सालों के पहले जिसको एक लग्जरी माना जाता था, आज वो हर एक की नेसेसिटी बन चुका है. तो आज जो मैं ट्रेनिंग आपको देने वाला हूँ या पीपीटी शेयर करने वाला हूँ, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, उसी के ऊपर बात करूंगा. तो वेलकम ऑल, इट्स ऑलरेडी 8 PM, सो लेट अस स्टार्ट. मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ. उसके पहले ऑफकोर्स मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम जयेश हरिया है और फॉरएवर में इन प्रोडक्ट्स में गए 14 साल से हूँ. इस बिजनेस में आने से पहले मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था जो मैं 25 सालों से कर रहा था. शुरुआत में ये बिजनेस मैंने 1.5 साल तक पार्ट टाइम किया और प्रोडक्ट के जो फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिले, मैं एक्चुअली आया था बिजनेस के लिए यहाँ पर. लेकिन कुछ चैलेंजेस भी था, अगर बीच में मौका मिला तो उसके बारे में भी बात करूंगा मैं. कैसे मुझे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट मिला और मैं फुल टाइम ये बिजनेस में इसमें आ चुका था, आ गया. ओके, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वंस अगेन थैंक्स करता हूँ FLP टीम का, ऑफकोर्स राजीव मेहता जी, साइमन डेविडसन, संतोष गाड़ीगांवकर, प्रफुल जी एंड अरुण मेहती जी, ये सब हमारे ग्रुप में है. इनका थैंक्स करता हूँ, इनका सपोर्ट की वजह से आज ये FLP टीम रेगुलरली ट्यूजडेज और फ्राइडेज को आपको ट्रेनिंग देने के काबिल हुई है. ओके, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पर 2 मिनट दीजिएगा मुझे. यस, या तो कुछ लोग नए रहेंगे उसके लिए मैं छोटा सा फॉरएवर लिविंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो एलोवेरा और शहद बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है. 13 मई 1978 को इसकी शुरुआत हुई थी, मिस्टर रेक्स वॉन ने की थी और आज की तारीख में 160 देशों में सक्सेसफुली रन कर रही है. और साथ साथ में इस कंपनी को, क्योंकि ये एलोवेरा की मैन्युफैक्चर करने वाली, ग्रो और उसका बॉटलिंग पैकेजिंग सब कुछ करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए इसको, इस कंपनी को द एलोवेरा कंपनी से भी जाना जाता है. अब आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है न्यूट्रिशन का. जो मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, मैं बार बार ये दोहराऊंगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जिसको कि कुछ सालों पहले एक लग्जरी माना जाता था, आज की तारीख में हर एक के लिए ये नेसेसिटी बन चुका है. क्यों नेसेसिटी बन चुका है, इसका ही हम रीजन देखेंगे ताकि हमें क्लियर पता चले कि हमें क्यों लेना चाहिए ये सब सप्लीमेंट्स. ओके, तो व्हाई न्यूट्रिशन. सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमारी सेहत हमें अच्छी रखनी है तो हमें खुराक अच्छा मिलना चाहिए. हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसे इनफ पोषण यानी वाइटल न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, वो अगर हमें मिलेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. कुछ सालों पहले और एक कोड भी चल रहा था काफी सारे जगह पे कि जो भी चीज प्लांट पे उगती है उसको हमें ज्यादा खाना चाहिए, ना कि जो प्लांट में बनती है. ओके, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो गई है वो आगे भी मैं शेयर करूंगा उसके बारे में, कि प्लांट के ऊपर जो उगता है उसमें भी न्यूट्रिशन कितना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है जानना हमें और समझना जरूरी है, और वही ये ट्रेनिंग में आपको शेयर करूंगा. तो बॉडी को जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स अगर हमें चाहिए और वही न्यूट्रिएंट अगर हमें नहीं मिलेंगे तो फिर बॉडी को तकलीफ होगी और कुछ ना कुछ हम डिजीज या हमें हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. जैसे कहते हैं ना, कैल्शियम की कमी होगी तो आपको दांतों में तकलीफ होगी, आपके बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे,
तो अलग अलग न्यूट्रिशन, अलग अलग डेफिशिएंसी के अलग अलग रीजंस बन सकते हैं. ओके, अब न्यूट्रिशन इज इक्वल टू द की टू द बैलेंस्ड लाइफ. ह्यूमन नीड क्या है आज की तारीख में? ह्यूमन नीड है कि हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए. क्यों चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन? क्योंकि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, जैसे मैं कहता था, बार बार वही चीज दोहराऊंगा कि हमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हमारी बॉडी ऑप्टिमम वे में काम नहीं कर पाएगी. ओके, तो अलग अलग न्यूट्रिशन हमें चाहिए, वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए. ओके, द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट साइकोलॉजिकल ग्रुप्स कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम वेल बैलेंस्ड डाइट. एक वेल बैलेंस्ड डाइट आपको चाहिए, और ये हर एक न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए उसकी डिपेंड करेगा आपके एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपका बॉडी का वेट के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर. ये साइकोलॉजिकल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना इसको, क्योंकि मैं सिंपल एक ही बात करूंगा कि मान लीजिए जब हमें स्ट्रेस रहता है बहुत, तो हम कुछ भी खाने का मन करता है और ऐसी क्रेविंग्स होती है हमें, या तो कुछ ज्यादा मीठा खाने को मन करता है या तो कुछ मसालेदार खाने का मन करता है, लेकिन उस चीजों से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ कैलोरीज मिलेगी. और कहते हैं ना, लेट नाइट मंचिंग, नींद नहीं आती है तो फिर वो रात को भी भूख लगती है, लेट नाइट मंचिंग भी होता है, और वो भी मंचिंग वैसे ही होता है जो क्रेविंग्स, अनवांटेड क्रेविंग्स हमें हमारी हमें चाहिए खाने का मन करता है, और जिससे हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं मिलता है, उल्टा नुकसान भी होता है. ओके, व्हाई न्यूट्रिशन? सबसे पहले तो क्योंकि आजकल जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना सब प्रोसेस्ड है, फ्राइड है, कुक्ड है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उसको उसका उसकी जो गुणवत्ता रहती है वो कम हो जाती है, या उसके अंदर परसेंटेज जो रहता है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का, वो कम होते जाता है. तो हमें उसको हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए. Have you ever thought of your food choices? क्या आपने अपने food choices को कभी सोचा है उसके बारे में? Do you think that your healthy food choices are going to keep you fit and disease-free? Think again. ये बहुत important sentence है, इसको सोचना हमें बहुत जरूरी है, इसके ऊपर गौर करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ healthy food choices से क्या हम fit और disease-free रह पाएंगे क्या? और जो कमियां है न्यूट्रिशन की, सबसे पहले वही अगर कमी पूरी नहीं होगी तो आवर बॉडी विल बी प्रोन टू डिजीजेस और हम फिट नहीं रहेंगे. अब देखिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए. सबको, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, वेजिटेबल्स खाता हूँ, सिर्फ बाहर की चीजें कुछ भी नहीं खाता हूँ, ना ही पैकेज फूड खाता हूँ कभी. लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद न्यूट्रिशन इन हैदराबाद ने क्या कहा है? According to the National Institute of Nutrition Hyderabad में कुछ उन्होंने परीक्षण किए थे कि खाना जो हम खा रहे थे, आज खा रहे हैं, और 30 साल पहले यानी 3 decades पहले जो हम खा रहे थे उसमें कितना न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है, ये उन्होंने चेक किया और शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं सिर्फ 30 साल पहले. मैं तो पहले बात करता था कि 100-150 साल पहले हमारे जो पूर्वज जो खाना खाते थे उनको जो खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा था वो क्या आज हमें मिल रहा है क्या? लेकिन ज्यादातर जवाब वही मिल रहा था कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाने में केमिकल्स, वातावरण में पॉल्यूशंस और उसकी वजह से. लेकिन ये देखिए, ये शॉकिंग न्यूज है. डेफिशिएंसी ऑफ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सीरियल्स एंड प्लसिल्स टुडे, 2017 में परसेंटेज इसका क्या था देखिए. वीट में 17.26% प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स में 9.10 की, ये जो भी रेड अक्षर में आपको दिख रहा है वो सब उतना परसेंटेज उसमें कम होते जा रहा है. फैट में 0.2%, थायमिन में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, फिर आयरन 0.25, मैग्नीशियम में 9.42, जिंक में थोड़ा बढ़ा हुआ, बनाना का परसेंटेज देख लिए
प्रोटीन थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन कार्ब्स उसमें माइनस 13.12, फैट 10% बड़ा हुआ है। थायमिन जो B12 B1 विटामिन है वो माइनस 80%, फिर आयरन माइनस 22 और मैग्नीशियम माइनस 14.68 और जिंक माइनस 6.6। ऐसे राइस का भी देखा जाए तो वही सिचुएशन है, सबसे ज्यादा कम जिंक की कमी आई है राइस में भी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 30 साल पहले भी जो खाना हम खा रहे थे, हम खुद खा रहे थे, ज्यादातर हम यहाँ पर होंगे, कुछ लोग यंग एज के होंगे, उन्होंने शायद उस टाइम नहीं खाया होगा, लेकिन उससे भी हमें न्यूट्रिशन की कमी आज मिल रही है। ओके, ये सब हमें दिखाता है। और यहाँ पर एक मैं वीडियो प्ले करना चाहूंगा, प्लीज अगर ऑडियो नहीं आता है तो प्लीज कोई चैट में या बता दीजिएगा, मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ जिसमें क्या कहा गया है वो ध्यान से सुनिए। We are what we eat, but how many of us know what we are actually eating? How many of us know what food does to the environment before it comes to your plate? How many of you know what food does to the farmer who is producing that food? Do you know? Have you ever thought? How many of you think before eating food about the farmer who has produced it or the fate of the farmer who has produced it? These are some of the questions which grappled me. Let's understand what is our food, what we are eating, how safe is our food. All of you saw this news sometime back, pesticide residues in soft drinks and bottled water, but forgot the next day. Have you ever thought how did pesticide residues come into this bottled water or soft drinks? If bottled water and soft drinks had pesticide residues, the water you use to make your tea and coffee also must be having. But we never worried about it. The news is short. The next day we forgot about it. At least this must be in your memory. Noodles having heavy metals. How many of you thought, how did these heavy metals reach the noodles? If lead has to be added to the noodles, probably lead is more costlier than the noodles. So nobody will add it. But it came. How did it come? If the ingredients used to make noodles had the lead, but the atta which you are making to use your chapati, atta which is used to make your chapati also must be having. Or the samosa which you are eating also must be having. Right? But we don't connect the dots. Same is the story when you hear a story about pesticide residues in vegetables. You all got horrified. You all get horrified. But forget it in the evening. We all think food, if you buy in a good place, if you eat it in a good hotel, it's safe. Food is only as safe as it is grown. End of pipe solutions doesn't work. The pesticides which are used in agriculture, less than 1% actually kills the insects. 99% gets into the water, gets into the air, and comes back into your food. We look at it very casually. Everything which is happening around us, we look at it very casually. I'll take an example. While I was taking the lunch, I saw people painting there. What is that? Spray paint. Where does it go? Part of it goes onto the board. Part of it is into the air. You're all eating there. It comes there. We are all educated. We feel we can make connections we never made. And we expect that farmer will make those connections and produce safe food for all of us. I think that's where there is the disconnect between what we observe, what we know, and how we act. Is the serious problem. It's not only about the pesticides. Do you know the eggs you buy in the market? What is the kind of eggs you are buying? They are haploid eggs. Haploid means they are produced without male and female mating together. That's the reason why if you hatch the eggs, they won't make chicken. But how they are produced? They are produced using estrogens. And what happens to those estrogens? When you eat those eggs, they'll come back to you. That's one reason today the puberty in girl child has advanced. The gynec problems in women has increased. The breast development in men has increased. Do you know last year's India Today's survey shows that the largest number of plastic surgeries done in India are to remove breasts in men. We got into that kind of situation where food, which is supposed to be healthy,
is creating all these problems. It's not just the pesticides or antibiotics or growth hormones which are used in production, but also how they are processed. You might have heard the story last 1 week, 10 days, which was doing rounds in all the media, artificially ripened fruits. But why fruits are ripened artificially? If all of you want to eat fruits in off-season, how do they do it? How do they do it? If you want mangoes in May, how do you get mangoes? You have to cut unripened ones, ripen it artificially, and sell it to you. The carbide ripening, the bananas which are seen uniformly yellow, what are they? They're all carbon ripened. The apples, the shiny apples which you see, what are they? When were they produced? Where were they produced? Do you know? California apples. You get apples from California. Can you keep it fresh? They're coated with wax. Go back to home, take out the apples in your fridge, just scrape it. You'll see the wax. We're eating all that. The watermelons, which are red in color today, they're injected with injections. Color, they're injected with growth hormones. The milk which is sold, you might have seen in the news for the last several years, there are reports which says the milk is contaminated with synthetic milk. If you want to have milk at 40 rupees a liter, that's what you get. We want food cheaper. And there is a competition between the companies. They pay low to the farmers. They also contaminate and then get away with that. All brands of milk sold in Hyderabad were found to have contaminated with the synthetic milk. Food is not only gives you energy, it's also good for your health. It can treat many of the diseases. Food is a medicine. It can act as a preventive medicine. It can also act as curative medicine. I know many people who are working on treating autism with good food. Many of the problems which you are seeing, obesity, diabetes, blood pressure, all are because of the food which you eat. You need to make a right choice about your food. Second, what food does to the environment? Let's look at the ecological footprints. We need to worry about the ecological footprints. It's not just about water, about the pesticides, about the growth hormones, everything. What agriculture leaves before it comes to your plate. We all need together, come together, pressurize government to make a change. Otherwise, the future is very, very bleak. Please excuse me. तो हमने देखा ये वीडियो और उससे हमें पता चला कि तो ये वीडियो हमने देखा रामानुज का हैदराबाद में टेडेक्स में बता रहे कि सबसे पहले तो हमें पहले ऐसा लग रहा था कि हम अच्छी जगह से खाना लेंगे या खाएंगे या अच्छे वेजिटेबल्स हम खरीदेंगे तो उससे हमें सब कुछ मिल जाएगा या अच्छे होटल में खाना खाएंगे या घर में खाना खाएंगे तो हम सबको ये प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा. लेकिन काफी सारे चौंकाने वाली बात उन्होंने ऑलरेडी कह दी. वो पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया कुछ सालों पहले, हमको सबको बताया कि कैसे वो बताया गया था. इम्पोर्टेंट चीज ये है जानना और समझना कि वो पेस्टिसाइड उसके अंदर आया कैसे. उन्होंने तो नहीं डाला, उसके ऊपर तो कभी चर्चा हुई नहीं थी, लेकिन वो आया पानी से ही. अब पानी में पेस्टिसाइड्स कहाँ से आया? तो वो तो सब आएगा ही, क्योंकि हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जब हम फार्मिंग करते हैं तब वो छिड़कते हैं तो उसमें पानी जो जाता है उसमें वो मिक्स होके आता है हमारे पास. एग्स के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से वो एग्स बनते हैं, जिससे काफी सारे गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, गायनाइक प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो मेन में ब्रेस्ट डेवलप होने लगे हैं. और सिर्फ उन्होंने तो कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी का, इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर मेन में ज्यादा होने लगा है, ना कि फीमेल्स. उसके रीजंस क्या है? ये सब सिंथेटिक क्ली ग्रोन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या एग्स, जो कुछ भी हम कहेंगे उसको. ओके, अब अगेन देखिए 70 सालों पहले डिप्लीशन क्या हुआ है. देखिए मिनरल्स का, सोडियम वेजिटेबल्स में,
-49%, fruits में -29%, पोटेशियम -16%, वेजिटेबल्स में -19%, फ्रूट्स में मैग्नीशियम -24%, फ्रूट्स में -16%, कैल्शियम -46%। हम कहते हैं वेजिटेबल्स खाइए, पालक खाइए, उससे ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, ये मिलेगा, क्या मिल रहा है हमें, -16%, आयरन -27% और फ्रूट्स में -24%। हेमोग्लोबिन की कमी हमें क्यों है, इतना फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रॉपर खाने के बावजूद भी, इसका सबसे बड़ा रीजन है डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सबसे बड़ा कारण है। और बार बार मैं यही कहूंगा कि ये डेफिशिएंसी को अगर हमें कवर करना है तो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत बहुत ज्यादा हो चुकी है आज की तारीख में। कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ए, रिबोफ्लेविन जिसको B2 कहते हैं, विटामिन सी ओवर हाफ अ सेंचुरी। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कह रहे हैं दो बड़े रीजन है फूड में न्यूट्रिशन की कमी होना। उसमें सबसे पहला रीजन जो है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण है। और जितनी ज्यादा गाड़ियां रस्ते पे आ रही है उतना हमें और कार्बन डाइऑक्साइड, इनफैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ रहा है। जितने हम एडवांस हो रहे हैं उतना पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। अब कहते हैं ईवी व्हीकल्स आ रही है सब, अब ईवी व्हीकल्स भी आएंगे तो उसका अभी तो पता नहीं है कि उसका आगे जाके पोल्यूशन को क्या इफेक्ट करेगा, क्योंकि कल उठ के जब वो बैटरीज को डिस्पोज करना पड़ेगा तब क्या क्या उसके क्या सोचा है किसी ने इसके बारे में। तो ये सब तो होने ही वाला है, हम अपग्रेड तो हो रहे हैं लेकिन किस दिशा में जा रहे वो जानना समझना जरूरी है। तो इसमें ज्यादातर हम खुद बाद में ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे, बाकी के लिए नहीं कर सकते लेकिन अपने खुद के और फैमिली के लिए तो कर ही सकते हैं, अच्छा खाना और अच्छा न्यूट्रिशन लेना। राइजिंग लेवल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साइंटिस्ट ने कहा है एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ये जिंक, आयरन और प्रोटीन, फूड में कमी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फिर दूसरा रीजन इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको कम कर दे रहे हैं। दूसरा, मैं हमेशा कहता था मेरे ट्रेनिंग्स में, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि पहले जो खेती होती थी वो साल में ज्यादातर दो बार होती थी जिसको खारिफ और राबी कहते थे। अब तो खारिफ क्या और राबी क्या, एक उपज निकला नहीं कि कुछ दिनों में और कुछ बोया उसके अंदर और निकला, तो जमीन को भी तो रेस्ट की जरूरत है। अगर जमीन को ही रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो उतने न्यूट्रिशन, उतने न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर कैसे डेवलप होंगे, इसकी भी जरूरत है। लेकिन आजकल सोच क्या है ज्यादातर फार्मर्स की कि वो जमीन से ज्यादा उपजाऊ करे और उसके अंदर से सिर्फ प्रोडक्ट निकलना चाहिए और उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है उससे कोई लेना देना नहीं किसी को। इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स भी, हम खुद भी खाना खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी अपनी कब्र भी अपने दांत से खोदता है। एक असेसमेंट हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में, ये कहते हैं, इनका कहना है कि 43% कंट्री का सॉइल है वो डेफिशिएंट है जिंक से, 18.3% इन बोरॉन, 12.1% इन आयरन एंड 5.6% इन मैंगनीज एंड 5.4% कॉपर में। सोचिए सॉइल इरोजन क्या हो रहा है, यानी सॉइल के अंदर कितना डिप्लीशन दिन बर दिन होते जा रहा है। तो अब जब जमीन में ही कुछ नहीं रहेगा तो पौधे में क्या आएगा, वो प्लांट में क्या आएगा। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की हमें खास जरूरत है। फोकस ना ऑन क्रॉप्स दैट आर हाई यील्डिंग, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर निकले लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा बढ़े वो कोई नहीं देखता। अपना न्यूट्रिएंट नीड्स क्या है आज की तारीख में, अपनी बॉडी को अबंडेंस में चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो ही वो ऑप्टिमम वे में काम कर पाएगी। हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग काम है करना, अलग अलग तरीके से वो काम कर सकता है। जब वो बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेंगे, अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। अब यहां पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर जब हम प्रोडक्ट्स किसी को रेकमेंड करते हैं तो उसको एक
थ्री फोर प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन हम रेकमेंड करते हैं, फॉरएवर के खासकर मैं बात करता हूँ। और ऑफकोर्स उसमें एलोवेरा जेल सबसे पहला आता है, क्योंकि वो आपका टॉक्सिन्स क्लियर करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है। फिर तीन चार और अगर हमने सप्लीमेंट्स लिख के दिए तो कुछ लोगों का कहना रहता है सर ये सभी कुछ सब कुछ लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज वो मिलकर टैंडम में काम करेगी, प्रॉपर वे में काम करेगी, तब जाके यानी बॉडी को आपका पूरा हर अलग अलग न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो जब तक आपकी बॉडी को पूरी नहीं कर पाएगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम वो आपको हमारे एक्सपीरियंसेस से ओके कि कैसे हमको खुद को रिजल्ट मिला था ये प्रोडक्ट लेके और कैसे लोगों को रिजल्ट मिला उसी के हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। ओके तो ये बहुत जरूरी है कि हर तरह का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को जब मिलेगा तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब आपको बराबर प्रॉपर मात्रा में चाहिए। और वाटर को सबसे इंपॉर्टेंट डायट्री फाइबर माना गया है, पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना इसके लिए जरूरी है। और कभी आपने सोचा है कि फूड जो हम खा रहे उसके अंदर वो हमारी न्यूट्रिएंट नीड्स, हमें जो पोषण चाहिए वो पूरी कर पा रहा है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए लोग आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं पहले से। ओके एक्चुअली हमारी प्लेट कैसे होनी चाहिए ये यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं प्लेट में 40% आपको कैलोरीज एनर्जी से मिलेगी। ये एनर्जी इंटेक कहाँ से मिलेगी? सीरियल्स और मिलेट्स होंगे तभी। 17% आपको पल्सेस और फ्लैश फूड से मिलेंगे और 10% एनर्जी आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा। ये एक आइडियल वे में 2000 कैलोरी का जो डाइट है उसके हिसाब से ये बताया गया है। तो आपकी प्लेट इस तरफ से होगी, होनी चाहिए। लेकिन क्या सचमुच में हमारी प्लेट ऐसी होती है क्या? जरा सोच के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस तरह की प्लेट जो एक्चुअल में चाहिए। लेकिन हम सबको आज की तारीख में किस तरह का फूड चाहिए? इस तरह का चाहिए। उसमें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की कमी तो ठीक है, वो कैलोरी बढ़ाता है ठीक है, लेकिन यहां पर और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो कितना भी एक्सपेंसिव हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारी टेस्ट बड्स को मजे देता है। तो तभी हम वो बिल की भी परवाह नहीं करते। लेकिन जब प्रोडक्ट्स हम रेकमेंड करते हैं तो कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। यहाँ पर वो कॉस्ट फैक्टर नहीं आता है जो आपकी बॉडी को हार्म करने वाला है। तो थोड़ा सा सोचिएगा आगे जब ये। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए खाने का, खा सकते हैं लेकिन उसके लिमिट रखिए, है ना। एक जैसे हमेशा जब भी कोई डाइट पे रहता है तो बोलता है ना एक चीट डे रखता है, तो एक आध दिन कभी वीक में ऐसा रख लिया या 15 दिन में एक बार रख लिया ठीक है, लेकिन रेगुलरली अगर आप इसको खाएंगे, इस तरह की चीजें खाएंगे, फास्ट फूड और ये सब, तो वो आपकी बॉडी को फायदा ना करके नुकसान भी करने वाला है। क्या चाहिए हमें, हमें क्या जानना चाहिए? हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिले हमारी बॉडी को। ओके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको विटामिन और मिनरल्स कहते हैं हम, ये 450 से 500 ग्राम पर डे हमारी बॉडी में हमें कंज्यूम करना चाहिए। और जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन्स नट्स और होल ग्रीन्स हमें मिलते हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे सूजन को कम करता है और जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया यानी जिसको जो डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन कौन सा खाना जो जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। अब व्हाई न्यूट्रिएंट्स, अगेन वही बात आती है, रिपीट में बार बार एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है, ताकि कहते हैं ना रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। ह्यूमन नीड्स के वाइड रेंज है न्यूट्रिएंट्स की एक हेल्दी बैलेंस लाइफ जीने के लिए। हमें विटामिंस मिनरल्स एसेंशियल न्यूट्रिशन होलसम फूड और डेंस न्यूट्रिएंट डेंस फूड हमें चाहिए। ओके अगेन वापस वही बात आती है, हर एक की इंडिविजुअल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहेगी, या आपके एज के ऊपर, ये जेंडर के ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर
और सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, जो मैंने शुरुआत में कहा था, फिर से दोहराऊंगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स जितने ज्यादा रहेंगे उतनी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल जब बढ़ते हैं तो हम अनवांटेड चीजें खाते हैं, अनवांटेड क्रेविंग्स होती है हमें, या तो मीठा खाने का या तो मसालेदार खाने का, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और इससे हमें बहुत क्या सुकून मिलता है ऐसा, तो ऐसी चीजें खाने से, लेकिन फिर बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग तरीके से बढ़ जाती है। तो एंड में यही कहूंगा, यानी ये स्लाइड के एंड में, गुड न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है, और एक हेल्दी और एडिक्वेट डाइट अगर रहेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप हेल्दियर बनेंगे, और सप्लीमेंट्स इक्वल्स न्यूट्रिशनल नेसेसिटी, जो मैं कह रहा था फिर से दोहराऊंगा, जिसे कुछ सालों पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को एक लग्जरी माना जाता था, आज की तारीख में हर एक के लिए ये नेसेसिटी बन चुका है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ हमें लग्जरी है, ये इसको हर एक को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो जब तक वो पूरी नहीं होगी, वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी। मेडिसिंस आपको, मैं बिल्कुल मेडिसिंस के खिलाफ नहीं, मेडिसिंस आपको टेम्पररी राहत देंगे, लेकिन जब तक आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक आपको की बॉडी पूरी ऑप्टिमम वे में काम नहीं कर पाएगी, और आप प्रोन रहेंगे डिजीज से, बार बार बीमार पड़ेंगे, आप या आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स है या जो भी है वो, तो हर एक जन बार बार बीमार पड़ेंगे। ये कोविड के दरमियान तो हमें पता चल गया, और उसके साइड इफेक्ट्स जो पता चले वो तो हमें सबको पता ही है। तो वाई सप्लीमेंट्स, अगेन वही आता है, खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी के वजह से ताकि वो होता है, और इफेक्टिव हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए हमें वो पूरे न्यूट्रिशन की कमतरता को पूरा करना पड़ेगा। फार्मिंग मेथड चेंज हुए है, केमिकल्स ज्यादा डाला जा रहा है जमीन, हो हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, ताकि उसके अंदर कीड़े ना पड़े, वो जल्द से जल्द उपजाऊ बने, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है बीजों को ताकि उसके अंदर जल्द से जल्द फल आ जावे या ग्रेन्स आ जावे, जो भी जो उगाते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर का न्यूट्रिशन कितना बढ़ता है वो हमने कभी नहीं देखा है, इसके बारे में कभी नहीं जाना है। ओके, और यहां पर अगेन फिर वो याद आए, फूड सप्लीमेंट्स फिल्स द गैप ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स ही आपकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को की कमी को पूरा करेगा, और यही डिजीज प्रिवेंशन में भी काम करेगा। जो मैंने पहले कोट पढ़ा था कि थॉमस एडिसन ने जो कहा था कि जो फ्यूचर का डॉक्टर है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। यहां पर ये वो कोट जो है वो परफेक्टली सूट हो रहा है। सोचो उन्होंने कितने सालों पहले ये कहा था और आज ये सही हो रहा। ओके, द परफेक्ट कॉम्बो। परफेक्ट कॉम्बो क्या है? एक आप प्रॉपर फूड लीजिए, होलसम और न्यूट्रिटिव फूड, साथ साथ में सप्लीमेंट्स लीजिए फॉरएवर के, ऑफकोर्स टू फिल इन द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। फॉरएवर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलोवेरा जेल, ये हर एक को लेना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक डिटॉक्स नहीं होगी, बॉडी में से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे और बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर नहीं बढ़ेगा, तब तक बाकी कुछ भी आप खाइए वो, फिर कहते हैं ना कि बादाम खाइए पिस्ता खाइए, वो ऐसे का ऐसा ही बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलेगा नहीं। फिर आप कितनी भी अच्छा खाना खाइए लेकिन वो पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको उसके फायदे नहीं मिलेंगे, और उसके साथ साथ में एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें हर एक के लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि खास करके पेंडेमिक के बाद सबका वर्क फ्रॉम होम का काम हो गया है, तो वो बॉडी का हलचल, बॉडी को जो
हैबिट है वो भी सब चेंज हो गया है. सोच के देखिए थोड़ी देर हम बाहर जाते हैं या एक कुछ देर ट्रैवल करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है. उसका रीजन है बॉडी को हैबिट पड़ गया है कि घर पे ही रह के हम जो काम कर रहे थे साल डेढ़ साल वो उसका साइड इफेक्ट है. तो उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा धीरे धीरे ये प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज करके. तो क्या आप सब लोग रेडी हो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए? अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कुछ कम. मैं देखना चाहूंगा कितने जन तैयार है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए. ओके दैट्स ग्रेट. काफी सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं. दैट्स गुड. तो आप सब अपने आप को चेंज करने को तैयार है. तो सबसे पहला चेंज है कि आप अपने चेंज सबसे पहला लाइए अपने आप में स्मार्ट स्नैकिंग से. कुछ टिप्स है एडल्ट और टीन्स के लिए यहाँ पर. देखिए फॉरएवर ये भी हमें सिखाता है. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है इसमें क्या करना है. स्मार्ट स्नैकिंग टिप्स में आपको ये करना है कि जब आप कहीं भी बाहर जाते हो होटल्स में भी खाना खाने तो जो बिटवीन द लाइंस जो लिखा रहता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है. उसको समझने का बहुत जरूरी है. जैसे मैं हमेशा कहता था जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है हमें. और तो ये जब मेनू कार्ड हम पढ़ते हैं ना तो उसके बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है जिससे हमें समझ में आएगा. देखिए हमें क्या करना है. जिस भी चीजों में क्रंची क्रिस्पी बैटर्ड या ब्रेडेड क्रीमी चीजी अल्फ्रेडो ये सब ऐसे लिखा है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए या उससे हमें लिमिट करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा रहती है और सैचुरेटेड फैट्स भी ज्यादा रहते हैं. हमें ऑप्ट करना चाहिए बेक्ड ग्रिल्ड रोस्टेड स्टीम्ड अल्फ्रेस्को या मरीना. ओके focus on portion size when serving servings are large or high in calories. yani kabhi kabhi jaise maine kaha na kabhi kabhi hum kuch kha le aisa nahi kehta hu ki bilkul mat khaiye lekin aisa jab cheeze khate bhi hai to aapki uski portion size ko kam kar dijiye. portion size ko agar aap limit kar denge to bhi aapko wo fayda hoga. simple bhasha mein kehta hu na ki agar aapko samosa khane ka man hua to do mat khaiye ek kha lijiye. तो लिमिट कर दीजिए उसको तो उससे भी आपको काफी सारा फायदा होगा. और कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जब आप पीते हैं उसको उसमें ऑप्शन लेके आइए. आप ऑप्शन लीजिए पानी पीने का या लो फैट या फैट फ्री मिल्क और या ड्रिंक्स का उस तरह के या ड्रिंक्स दैट आर कैलोरी फ्री सच एज अनस्वीटेंड कॉफी और टी. मैं तो सिंपल कहता हूं मैंने खुद ने यह शुरू कर दिया है. मुझे कोई शुगर का इश्यू नहीं है लेकिन मैं चाय में कम से कम चाय जो पीता हूं उसमें बिना शक्कर डाले तो उतना शुगर का इंटेक तो हमारा कम हो जाता है तो उससे फर्क पड़ता है. तो छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में जब आप चेंजेस लेके आएंगे उससे आगे जाके आपके लाइफस्टाइल में काफी सारे फायदे होंगे. ओके स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस टू बिल्ड योर हेल्दी ईटिंग रूटीन नाउ एंड इन टू द फ्यूचर. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके डाइट में जितना हो सके उतना शुगर और सॉल्ट को कम कर दीजिए. पैकेज्ड फूड्स में ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट और शुगर रहता है ये ध्यान में रखिएगा. सोडियम बहुत ज्यादा प्रमाण में उसमें रहता है. फोर्थ एंजॉय कीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को. ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा पहले भी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जितना पहले था तो उसका मतलब ये नहीं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना हमें छोड़ देना चाहिए. तो उसके ऑप्शंस ढूंढिए कलरफुल फ्रूट्स. देखिए मैं हमेशा कहता था कि हम जब होटल्स में जाते थे और सैलड जो हमें सजा के मिलता था तो वो हम बहुत अच्छे से खाने को मन करता था लेकिन घर पे अगर कोई सिर्फ क्यूकम्बर या ऐसे ही गोभी फूल गोभी ऐसा कुछ काट के रख दिया तो हम उसको हाथ भी नहीं लगाते खाते भी नहीं है शायद. क्यों? क्योंकि उसको सजाया नहीं है कलरफुल वे में रखा नहीं है उसके लिए. तो ऑप्शंस है आप ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स या फ्रूट की स्मूदीज लीजिए वेजिटेबल के रैप रोल्स बना लीजिए उसको खाए उस तरह से खाइए.
क्रंची वेजिटेबल्स को चूज कीजिए, जो लो फैट ड्रेसिंग इंस्टेड ऑफ चिप्स, चिप्स की जगह पे उसको आप लेना शुरू कीजिए, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मिड मील्स में लेना शुरू कर दीजिए। उस तरीके से आप वो एंजॉय करेंगे। मिड मील स्नैक्स, स्नैकिंग जो हम करते हैं, उसके जगह पे फ्रूट्स लेना शुरू कर दीजिए, और फ्रूट्स को डेजर्ट में भी लेना शुरू कर दीजिए। उस तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको लाइफ में चेंज जो लेके आना है, वो लेके आना है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके। तो एलोवेरा जेल के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया ही, ज्यादातर लोगों को आपको पता ही होगा कि ये क्या काम करता है। फिर से दोहराता हूँ कि शॉर्ट में कि एलोवेरा जो है, फॉरएवर का एलोवेरा खास करके, वो आपके टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और हमारा ही एक मात्र जो प्योर एलोवेरा जेल है, वो 99.7% जिसके अंदर एलोवेरा है। ओके, बाकी जिसको जैसे जैसे फ्लेवर चाहिए, उस तरीके से एलो पीचेस है, एलोवेरी नेक्टर है, एलो मैंगो है, तो उसको भी टर्न बाय टर्न आप चेंज करके अपनी एक लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं इसको। और ये ऐड करना बहुत जरूरी हो गया आज की तारीख में। आप जो और कोई ड्रिंक्स ले रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ, उसकी जगह पे इसको, जैसे मैं कहता हूँ ना, ब्रांड चेंज कीजिए, तो ब्रांड के साथ साथ में आप वो चीज भी चेंज कर दीजिए उसको। ओके, और फॉरएवर का ही क्यों? क्योंकि फॉरएवर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स और बेस्ट रिसोर्सेज यूज करती है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में। 7,500 acres की जमीन है जहां पर सिर्फ एलोवेरा उगाया जाता है नॉन पोल्यूटेड एरियाज में, और 2 से 4 साल लगते हैं इसको ग्रो करने के लिए, इसको उगाने के लिए। ओके, तो ये है। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को जब बनाने में, और 333 टेस्ट होते हैं साल भर में, 1.5 लाख से भी ज्यादा टेस्ट होती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। ओके, अब आते हैं कुछ प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए। बहुत कुछ कह दिया हमने कि क्यों हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ये मुझे लगता है आज काफी सारे लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी। वरना बहुत लोगों को ये सोच थी कि ऊपर से तो बहुत कुछ हम फिट है, लेकिन अंदर से क्या है किसी को नहीं पता। आज छोटी छोटी एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे हैं, शुगर का प्रॉब्लम बढ़ने लगा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बैड फूड हैबिट्स, और जो खाना हम खा रहे उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी जिसको कहते हैं, विटामिन सी और सी प्लस, और सी को प्लस क्यों कहा गया, प्लस सी प्लस इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर विटामिन सी है लेकिन साथ साथ में एस्पिरिडिन भी है। और इसके अंदर का जो विटामिन सी है वो डिराइव किया है, वो मिला है आंवला से, और कहते हैं कि आंवला के अंदर जो विटामिन सी है वो एक ह्यूमन बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके फायदे क्या है देखिए, इसके अंदर 83 mg ऑफ आंवला फ्रूट है और 80 mg ऑफ एस्पिरिडिन है। ओके, ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में मदद करता है, आपकी स्किन को और कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करता है। इस तरीके से ये हेल्प करता है, और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, और एलर्जीज को फाइट करने में मदद करता है। अब ये हेस्पिरिडिन क्या है? हेस्पिरिडिन ये एक बायोफ्लेवोनॉइड है जो खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है जब वो कच्चे रहते हैं तब तक। जैसे ही वो फ्रूट पक जाते हैं उसके अंदर का हेस्पिरिडिन जो है वो निकल जाता है। तो फॉरएवर ने बहुत सोच समझ के ये डेवलप की है ये टैबलेट, कि ना सिर्फ आपको विटामिन सी मिले साथ साथ में आपको हेस्पिरिडिन भी मिले। और ये एक बहुत ही इजी वे डोज है आपका विटामिन सी के लिए। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती, इसीलिए आपको इसको रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। ओके, और इसमें तो कहा है कि एक ही टैबलेट लीजिए, लेकिन जो पॉल्यूशन इंडिया में, या हम जो बॉम्बे में या बॉम्बे के बाहर जो रह रहे, जो पॉल्यूशन है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है 3 गोलियां भी हमें कम पड़ेगी। तो मिनिमम मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 3 टैबलेट जरूर लीजिए, और बहुत ही टेस्टी टैबलेट है इसको आप, ये च्यूएबल है, इसको पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी टैबलेट है। फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक,
जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रूट्स में जो हम खाते हैं उसमें से भी हमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिलता है, लेकिन जब ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो डाइजेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जब हम पैदा हुए थे रहते ना, तभी एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर बिल्कुल कोई बैक्टीरिया नहीं रहता, लेकिन विद इन सेकेंड्स लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज आ जाते हैं और उसमें से हमारे गट के अंदर सबसे फ्लोरा, जो गुड फ्लोरा कहते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज आते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खाने पीने के तरीके, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड और ये सब खाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर का जो गुड बैक्टीरिया रहता है वो कम हो जाता है और इसीलिए कि ये डाइजेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और इसीलिए ये प्रोबायोटिक्स हमें लेना बहुत जरूरी है। और ये एक्टिव प्रोबायोटिक है क्या, ये आपके डाइजेशन को तो हेल्दी रखता ही है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें फर्क ये है कि एक तो सबसे पहले ये वेजिटेरियन कैप्सूल है और जो आपके स्टमक के एसिड को बाईपास कर देगी और जो प्रॉपर जो कोलोन में जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वो एसिड से वो डिसॉल्व होगी और वहां पर वो बैक्टीरिया रिलीज कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब कि जो प्रोबायोटिक्स और कोई तरीके से अगर हम ले रहे हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, दही में भी प्रोबायोटिक रहता है, लेकिन कितना दही खाएंगे आप? कहते हैं बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि 1.5 किलो दही खाएंगे तब भी वो आपकी प्रोबायोटिक्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो कभी तो पूरा कर पाए, उतना तो हम खा नहीं पाएंगे, और खाया भी तो वो डायरेक्टली वो तो वहां तो जाएगा नहीं, तो वो बाईपास नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहां पर पहुंच के वो पूरे बैक्टीरिया को रिलीज करे और ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे। इसमें 6 अलग अलग सिनर्जिस्टिक स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरियाज के जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। इसके अंदर 6-8 बिलियन सीएफयूज है, सीएफयूज यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है, यानी वो और आपके बॉडी में बैक्टीरियाज बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है और या तो फिर जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जैसे खाना खाते ही जिसको वॉशरूम जाना पड़ता है, और ना सिर्फ इसके लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जितना अपना गट हेल्दी रहेगा ना उतना ही हमारी सोचने की शक्ति भी वैसे ही चलती रहेगी। तो आपका ब्रेन का थिंकिंग, क्योंकि आपके ब्रेन से डायरेक्ट लिंक्ड है ये गट, या इनफैक्ट ऐसा कहूंगा कि हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्टली हमारे गट से लिंक्ड है। जितना हेल्दी हमारा गट रहेगा उतना ही हमारा ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से सोच पाएगा, समझ पाएगा चीजों को, तो ये उसी तरह से काम करेगा। तो ये इसको एलोवेरा जेल के साथ मॉर्निंग में ले सकते हो या पानी के साथ एम्प्टी स्टमक इसको आप ले सकते हो और ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। ओके, स्ट्रेन फ्री फ्रीज ड्राइड है प्रोटेक्शन के लिए और इसको कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। इस तरह से ये बॉटल को भी डिजाइन किया गया है और इसकी सेल्फ लाइफ भी ज्यादा लंबी रहता है और ये सोय और एलर्जिन फ्री भी है, यानी जिसको भी सोय और जिसको एलर्जिक है उसके लिए भी ये फायदा करता है। एक कैप्सूल आपको ये पानी के साथ मॉर्निंग में एंटी स्टमक लेना। दूसरा टैबलेट है, ये है वाइटोलाइज फॉर मेन। ये नाम ही इसको ऐसा दिया गया है वाइटोलाइज क्योंकि मेन की वाइटालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। अब आफ्टर द एज ऑफ जनरली 50 या 60 मेन में जनरली ये प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है और जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है तो होता क्या है, यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम हो जाता और फिर उसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी आजकल मेन में बढ़ गया है। और जो मेन को वाइटामिन्स और मिनरल्स दिन में चाहिए वो सभी ये वाइटोलाइज एक की एक कैप्सूल से आपको मिल जाएगा। एक कैप्सूल में वाइटामिन मिनरल्स सब कुछ है, पम्पकिन पोमोग्रेनेट लिकोपीन है, सोपालमोटो है और ये आपके नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, यानी जिसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है
मेन में खास करके, उनके लिए भी ये सॉफ्ट जेल वाइटलाइज बहुत ही फायदेकारक है। और जैसे मैंने कहा कि आपके क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, खास करके मेन को दिन में, उसके लिए ये आपको उसकी कमी को पूरा कर देगा। और स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ये मेंस को, मेन के हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए। ओके, एक सॉफ्ट जेल आप डेली ले सकते हैं एज अ डायटरी सप्लीमेंट। फिर ये है फॉरएवर इम्यूब्लेंट। इसको नाम ही इम्यूब्लेंट इसके लिए दिया गया है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करता है और फुल बॉडी को एक अप्रोच बढ़ाना, आपके सेल्स को, इम्यून सेल्स प्रोडक्शन बढ़ाने में ये मदद करता है। ओके, इसके अंदर विटामिन डी है, जिंक है, फिर मिटाकी और शिटाकी मशरूम्स हैं। ये जो मशरूम्स है ये आपके सेल्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं और केमोथेरेपी ले रहे हैं उनको भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग केमोथेरेपी वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मारता है और फास्ट ग्रोइंग सेल्स में कैंसर सेल्स भी रहते हैं और अच्छे सेल्स भी रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब वो कैंसर पेशेंट्स केमोथेरेपी लेता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनसे दूर रहिएगा, ज्यादा फैमिली, नजदीक की फैमिली रहेगी वही उनके साथ रहिएगा, कोई और आदमी ना रहे, उनके मिलने ना आए उनको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी रहती है या कम हो चुकी रहती है तो उनको तुरंत वो कुछ भी डिजीज है वो तुरंत उनको पकड़ लेगा या वायरल इन्फेक्शन उनको तुरंत हो जाएगा। ऐसे में फॉरएवर इम्यूब्लेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत काम करता है। इसको, इसके अंदर लैक्टोफेरिन भी है जो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। अगेन इसको आप, इसकी आप दो टैबलेट ले सकते हो एज अ डायट्री फाइबर, डायट्री सप्लीमेंट दिन में, टैबलेट फॉर्म में है, आप इसको ले सकते हो। ये एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में बना हुआ है लेकिन ग्लोबली पेटेंटेड है और ये है फॉरएवर एलो टर्म। ये टर्मरिक लोसेंजेस विथ एलोवेरा है, ये एक यूनिक फॉर्मूला है। टर्मरिक लोसेंजेस तो आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन उसके साथ एलोवेरा कभी नहीं मिलेगा। अब इसका फायदा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सैपोलिन प्रॉपर्टीज है, लिग्निन यानी पेनिट्रेटिंग पावर है, तो जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। और टर्मरिक के फायदे तो हमको पता ही है ना, ये इसको एक नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो ये टर्मरिक के फायदे और एलोवेरा के फायदे दोनों को मिलाकर ये लोसेंजेस बनाई गई है। देखिए ये मेरे पास यहाँ पर सामने, अगर आपको दिखेगा ये कैमरा में, मेरे पास नजदीक हमेशा रहती है। इसको एक हल्दी के ग्लास के बराबर की इसमें फायदे मिल सकते हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम हल्दी का दूध पीते हैं तो वो स्टमक में जाने के बाद वहां से हमारे खून में जाता है, जबकि एलोटर्म जो लोसेंज है जिसको आप सिर्फ मुंह में रखना है, इसको बाइट नहीं करना है, कम से कम 20-22 मिनट आपके मुंह में रहेगा और उससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे, वो तो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन ये स्ट्रेट अवे आपके सलाइमा में मिक्स होके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और इंस्टेंट रिजल्ट देने में मदद करेगा, या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में मदद करेगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है इससे। जैसे मैंने कहा, फिर से दोहराता हूँ, ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन से जाना जाता है, नेचुरल और सेफ है, ये शुगर फ्री है और ब्यूकल एब्जॉर्प्शन यानी आपके सलाइवा में वो मिक्स होके खून में चले जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है। और बहुत सारी आदतें रहती है बहुत लोगों को, किसी को गुटखा खाने की, किसी को और कुछ मुंह में रखने की, उसके जगह पे ये अगर लोसेंज आप मुंह में रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन भी मेंटेन होगा और वो जो आपको जो अनवांटेड चीज है जो मैंने अभी बताई आपको कि जो जिसकी आदत है वो आदत भी आपकी कम हो सकती है इसके वजह से, और पेन के रिलीफ को भी कम करने में मदद करेगा। और जैसे मैंने कहा ओरल हाइजीन, सोत्रो है, कफ, कफ आपको बहुत हो गया है अभी फिलहाल, ये जो सीजन अभी चल रही है बारिश की सीजन, कभी बीच में धूप कंटिन्यूस रहता है, उस दरमियान वायरल इन्फेक्शन बहुत हुआ है, बहुत लोगों को हो रहा है, तो ऐसे में ये प्रोडक्ट उनको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। ओके, ये प्रोडक्ट है फॉरएवर फाइबर।
फॉरएवर फाइबर एक आइडियल चीज है जो आपके डाइट को सही रखने में मदद करेगा और डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद कर रहा है। ये 5 grams ऑफ फाइबर है, इसके अंदर 30 स्टिक्स आती है, हर एक स्टिक के अंदर 5 grams फाइबर है, हर एक पैकेट जो 5 gram का फाइबर है इक्वल है एक आधा कप ब्राउन राइस या 2 whole wheat टोस्ट के बराबर की इससे है विद, लेकिन उससे जो कैलोरीज आपको मिलेगी या जो अनवांटेड कार्ब्स आपको मिलेंगे उसकी उसको नहीं मिलेगी, वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी ये यूज करने से। ये हेल्दी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और जनरली हम खाना खाने के पहले कहते हैं ना फाइबर, फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए खाने के पहले? क्योंकि उस फ्रूट्स के अंदर फाइबर काफी रहता है और जो फाइबर की वजह से आपको एक फिलिंग देता है, बाद में जो कुछ भी आप खाना खाएंगे वो कम खाएंगे, तो उस तरीके से वो काम कर रहा है। और फाइबर जितना ज्यादा रहेगा खाने में उतना आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा। इसको आप पानी में ले सकते हैं, एलोवेरा जेल में मिक्स करके सकते हैं, या तो आरजी प्लस के साथ भी इसको मिक्स करके ले सकते हैं। और फाइबर हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है और ये बहुत ही जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो ऑफकोर्स इसका इसके अंदर टेस्ट मत ढूंढिएगा, टेस्ट चाहिए तो जैसे मैंने कहा कि एलो पीचेस है, एलोबेरी नेक्टर है, एलो मैंगो है, उसके अंदर मिक्स करके या तो फिर आरजी प्लस के साथ भी आप मिक्स करके इसको ले सकते हैं। और ये वेट मैनेजमेंट का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है। ओके, माइल्ड है और जिसके अंदर जैसे मैंने कहा ग्रेट वेस्ट। खाने के बीच में जो जैसे मिड मील्स के बारे में मैंने बताया था जो भूख लगती है, ऐसे में भी आप ये फाइबर पानी में मिक्स करके या जैसे मैंने कहा कोई भी फ्रूट जूस में या फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल करके भी आप इसको ले सकते हैं, तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग देगा। यह है फॉरएवर एक्टिव एचए। एक्टिव एचए यानी हेलियोनोरिक एसिड। ओके, ये आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि देखिए, जब भी हमारे दरवाजे खिड़कियां आवाज करने लगती है तो हम क्या करते हैं जनरली, उसके इंजेस में हम ऑयल के 1-2 बूंदे डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो इंजेस में ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाती है और फिर वो आवाज नहीं करता। तो इसी तरह हमारे हड्डियों के बीच में भी ये हेलियोनोरिक एसिड जो है उस तरीके का काम करता है, यानी उसको ल्यूब्रिकेशन देने का काम करता है। लेकिन एक एज के बाद ये हमारे शरीर में कम होने लगता है और इसी की वजह से ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये एडवांस ब्लेंड है जो जॉइंट सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स जो भी है जिंजर टर्मरिक उसको मिला के ये बनाया गया है ताकि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहे और आप हमेशा मूव कर पाए इधर उधर। ये जैसे मैंने कहा ये आपके हड्डियों के बीच में ल्यूब्रिकेशन देने में मदद करता है और जॉइंट्स के बीच में कुशन देने का भी मदद करता है। प्रोपोर्ट्स आपके जॉइंट्स को प्रॉपर रखने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हेलियोनोरिक एसिड जो है वो आपके स्किन के तरफ मॉइस्चराइजेशन को बढ़ाता है, यानी पानी को अपनी स्किन की तरफ खींचता है तो स्किन के अंदर हाइड्रेशन को बढ़ाता है। तो जिसको भी ड्राई स्किन के चैलेंजेस है और स्किन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है उनको भी आप ये एक्टिव एचए रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, ये 2 सॉफ्ट जेल्स लेनी है आपको एज अ डायटरी फाइबर। तो फिर से दोहराऊंगा, गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन। और हरे फॉरएवर का हर एक प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन जो यहाँ के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो लिखे हैं उसके ऊपर वो पूरा उसके बराबर आपको मिलता है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से सब कुछ ये बनती है हमारे प्रोडक्ट्स। और जैसे मैंने कहा आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, आप इसको ले सकते हैं आंख बंद करके, और गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड के लिए ये सब बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन। और फॉरएवर ये एक ऐसी कंपनी है जो सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाती है। हम एश्योरेंस देते हैं प्योरिटी का, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम बनाते हैं, और हम फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच के सब कुछ खत्म नहीं हो जाता उनके लिए। ये एक ह्यूमन लाइफ को केयर करती है, ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करती है, इसीलिए
अगर एक प्रोडक्ट बेहतर है तो उसको और बेहतरीन कैसे बनाया जाए, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा चलते रहता है। तो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड्स ये रहती है, इन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने तो एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है कि वो लेवल तक शायद ही कोई और पहुंच पाएगा, और उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स। इस तरह के न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स अगर आप कहीं भी कंपेयर करने जाए तो उतना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नहीं। भले नाम सिमिलर रहेगा, सब कुछ सिमिलर रहेगा, विटामिन सी की टैबलेट रहेगी, लेकिन जो आपकी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ लास्ट सेंटेंस में कहा है ना, द बेस्ट स्टैंडर्ड्स दैट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री कैन ऑफर, ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैन ऑफर यू सच थिंग्स। तो अभी चॉइस आपके ऊपर है। एवरी बाइट यू टेक इज आइदर फाइटिंग डिजीज और फीडिंग इट। कौन सा आप प्रेफर करेंगे उसके ऊपर आप सोचिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो यहां पर मैं जयेश हरिया ये सेशन को एंड करता हूं, ये स्क्रीन शेयरिंग भी स्टॉप करता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बार बार मैं करता हूं, लास्ट में भी रिपीट करूंगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, ह्यूमन लाइफ को केयर करती है। तो इसके प्रोडक्ट्स आप आंख बंद करके लीजिए। मैं खुद इसको 14 साल से एंजॉय कर रहा हूँ, एक अच्छी हेल्थ का, इसी के वजह से ना सिर्फ मैं लेकिन मेरी पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर रही है। ओके, तो यहां से मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, और अगर कुछ क्वेश्चंस किसी को है, एक या दो क्वेश्चन मैं लूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑफकोर्स प्रोडक्ट रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, नथिंग रिलेटेड टू बिजनेस और एनीथिंग। अरे किसी को कुछ क्वेश्चंस? जोलीन ने हैंड रेज किया है, मैं आपको आपका माइक अनम्यूट, माइक आपका अनम्यूट किया है, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है आपको। यू कैन हियर मी? या ओके। द दिस इज रिगार्डिंग आई हैव दिस वैरिकोस वेन्स एंड आई हैड अ quite a bit of swelling on my foot when I had gone to Goa. And Mr. Vijay Kumar, he suggested that I start Forever Living. What did he suggest? He suggests to start Forever Living products, and he has given me these capsules. Okay. One is the C and that Arctic C plus. Okay. Yes, and also the aloe vera drink, which is the which is called a standardized drink, or you know, there is a particular name for it. I'm not very familiar with it because it's the first step. And aloe first, which is a spray. Yeah. So, yeah. What's your question, sir? So I had deep wounds. Now I'm started using this. I mean, just a week back, and so okay. I want to know any other thing that. And that you can suggest apart from this, because I think this I would tell you, Vijay has recommended you perfectly that products which should have been given to you for varicose veins. Right. In fact, even I can say that he is much more knowledgeable because he has that medical background also. Right. One thing I would clearly tell you, our products are not medicines, but where medicines have not worked, these products have, these are supplements. And we are not doctors, to be very frank. Okay. But what I'll say is, what results we have got through the products which we have used. Right. In fact, let me tell you, give you my example. I was suffering from acidity for the last 15 years before joining this company. And I'd tried everything from allopathy, homeopathy, Ayurvedic, everything I tried, but I was not getting results. And I had severe acidity. Because of that, I used to get frequent headaches. And then when I came to know about Forever Living products, I was not sure whether these products would help or not, but I said, let me try it out, because these company, the biggest reason why I tried it out was this company is vertically integrated. So plant to final product, everything is managed and controlled by us.
So right. That's what gave me one of the reason why I should try these products. And I was told to use these products for at least minimum 4 to 6 months. But within 2 months, the results which I got was fantastic. And that was the reason from my garment business, I right. turned towards this health industry. Okay, because all the products are result oriented. But what I would suggest say is, it will depend on person to person. You may get results in 1 or 2 months. I may, for the same health challenge, I may get results after 6 to 8 months also. So you have to be patient, because how much damage inside the body has done because loss of nutrients and all, that nobody knows. So that it might take a time, but think positively and use those products, and you'll get fantastic results. Yeah, he had told me to log in today. I got a bit late. I got the session pretty late. Not an issue. There's a video is recorded. You'll get a recorded video through him later on. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Because the doctors don't allow you to. I mean, when they do the dressing, till the time I was in the hospital, I could not use this. Because they dress it up quickly and they don't. See, thing is, because they don't have knowledge about such products. I get it. And they have not studied naturopathy. They will always tell you about allopathy. Right. Never recommend those things. It is obvious. Okay. Yes. So unless somebody is 100% sure like us, right, then only we can recommend. So that is the reason that they are a little bit dicey about recommending these products, especially the doctors. Okay. Yeah. Thank you. There are quite a few doctors like, he's not a degree holder. Yeah. I got him a doctor because a friend had referred me. Yeah. But he has good knowledge on medical grounds. Yes. So such people who know about our nutritional supplements, they always recommend these products. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. So, आप लोगों ने सुन लिया कि किस तरह से रेकमेंड किए जाते हैं, और ये विजय तालगांवकर जो हमें गोवा से है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से है, उन्होंने भी ये प्रोडक्ट्स इनको सजेस्ट किए हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। फिर से लास्ट में ऑफकोर्स एक डिस्क्लेमर वापस दूंगा, हमारे प्रोडक्ट्स कोई दवाइयां नहीं है। ओके, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, और जो न्यूट्रिशन की कमी आपको बॉडी को है, वो कमी जब पूरी होगी तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बॉडी अपने आप खुद को रिपेयर करेगी। इस नोट पे मैं जयश्रिया ये सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू, और आपके आने वाली लाइफ में आप एक हेल्दी और वेल्दी जीवन जिए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। थैंक यू सो मच।